हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का दिन वो है जिस दिन के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज फाइनली मेरे सारे कैटलिस्ट सब कुछ पूरे हो चुके हैं और मेरा पहला 6 स्टार रैंक 2 होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये है मेरे सारे 6 स्टार। अगर आपको याद ना हो तो ये सारे ही रैंक 2 हो सकते हैं, पर इनमें से मैं सबसे पहले जिसे रैंक 2 करना चाहूँगा वो है वेनम द डक, क्योंकि वेनम द डक अपने आप में ही एक वन मैन आर्मी है। ऐसे तो कॉर्वस ग्लेव भी है, पर वेनम द डक को मैं करूँगा क्योंकि बहुत सारे क्वेस्ट हैं मेरे जिसमें वेनम द डक का काफ़ी रोल है। अगर कोई दूसरा चैम्पियन में अगर इनमें से ही करूँगा रैंक 2 तो वो कॉर्वस ग्लेव होगा, बट फिलहाल वेनम द डक को कर रहा हूँ मैं। तो देख सकते हो दोस्तों, वो सारे कैटलिस्ट T2A सब पूरे हो चुके हैं। तो चलिए इसे रैंक 2 कर देता हूँ। और ये रैंक 2 पे आ चुका है। तो दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है क्योंकि पहली बार मेरा रैंक 5 on 5 5 स्टार चैम्पियन में भी काफ़ी ज़्यादा मैं खुश था, और अब ये 6 स्टार रैंक 2 पहला चैम्पियन है मेरा जिसमें मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि वेनम द डक ऐसा चैम्पियन है, अगर आपके पास नहीं है अभी तक तो अगर जब आपके पास आएगा तब आपको भी पता चल जाएगा कि ये बहुत स्पेशल चैम्पियन है। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको पहले से पता चल सके, और आप उसको देख के अगर आप कोई क्वेस्ट में हो तो उसमें भी आपको हेल्प हो, नहीं कुछ रैंकअप से लेके प्रॉब्लम हो तो भी आप उसमें हेल्प हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और मैं फ़िलहाल इसे रैंक 2 कर दे रहा हूँ 35 पे। काफ़ी लंबा टाइम वेट करना पड़ा दोस्तों इसके लिए, बट फाइनली हो गया। तो ये रैंक 2 होने के बाद करीब एक 5 स्टार 5 on 5 जितना हो जाएगा। बस एक और करना है, उसके बाद ये पूरा रैंक 2 हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो दोस्तों ये हो चुका है रैंक 235, तो करीब 12,000 का हो चुका है पूरा। और रैंक 3 के लिए अब ये सब चाहिए, जो कि फर्स्ट वाला, तो अगर आप X6 करेंगे पूरा तो ही आपको मिलेगा। बाकी टीयर 5 4 चाहिए, और T2A अल्फा आपको 8 चाहिए, और Tier 4 कॉस्मिक कैटलिस्ट भी आपको 8 चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितनी मार हो चुकी है। वाह, तो करीब ये फिक्स 12,000 की PI है इसकी, और 36,749 की इसकी हेल्थ है, और 3,125 की इसकी मार हो चुकी है। काफ़ी बढ़िया हो गया है दोस्तों। चलिए एक छोटा सा रिले ROL में गेम प्ले भी देख लेते हैं इसका। तो दोस्तों आप जब भी प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो तो आपका अटैक टीम ये रहेगा। अगर आप कोई भी एक प्लेयर से चेक करना चाहते हो, इससे उसकी मार बढ़ जाती है काफ़ी। देखिए 13,960 हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसका ट्रायल देखते हैं कि रैंक 2 में कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो करीब 3,449 मार है। तो चलिए इसे चालू करते हैं। फोर्टी 46 पंच में इतना हो गया है दोस्तों। ओहो,
फिलिंग मशीन है ये तो सच में। क्या बात है दोस्तों, ये वही बकी है जो ROL का सबसे लंबा फाइट है पहला ही। करीब 75,000 की PI है और कितनी आसानी से रैंक 2 वेनम द डक ने पूरा कर दिया, जबकि मैंने इसका एक भी बार जो तीन मैंने दो पावर गेन और एक फ्यूरी इस्तेमाल किया था उसका ज़रा सा भी यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने थर्ड अटैक किया ही नहीं, पूरा फोकस सेकेंड अटैक पे ही था जो कि इसका टॉक्सिक आर्मर है। तो कितनी तेज़ी से ख़त्म हो गया दोस्तों, करीब 140 या 145 फाइट मुक्कों में ही ख़त्म हो गया। तो आप देख सकते हो कितना कारगर है, अगर इसमें आप 10 फ्यूरी जोड़ के चलो या फिर आप रीजनरेशन जोड़ लो तो ये वन मैन आर्मी है कोई भी बड़े फाइट में। तो मैंने इसे रैंक 2 करके कोई गलती नहीं की। अगर आपके ये जल्दी जल्दी आपको इसको बढ़ाना है तो आप इसके साथ वेनम को भी रख सकते हो, जिससे इसके प्रिसिस्टिस चार्जर काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये था ROL में गेम चेक, जिसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से वेनम ने पूरा कर दिया और मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरा पहला 6 स्टार रैंक 2 हो के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।